नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीधे इंदौर लिए चलते हैं आपको, जहां पर कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। अब दर्शनों के लिए खुली है और उनसे हम आशीर्वाद ले सकेंगे, अन्याय को सहन नहीं करेंगे, आपदाई बचेंगे नहीं। ये संकल्प था भगवान परशुराम जी का और सत्य में वो हम सबको ये शिक्षा देते हैं कि धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, इस काम में सदैव लगे रहना चाहिए। लेकिन उस दिन जब मैं आया था तब भगवान परशुराम जी की जयंती पर सबने ये कहा था कि भगवान परशुराम लोक बनना चाहिए। एक महीना भी नहीं हुआ मेरे बैनर से, हम जो कहते हैं वो करते हैं। एक महीने कौन सी तारीख को आया था? 24 अप्रैल, 24 अप्रैल। और आज कितनी तारीख है? 30 मई, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल आज 30 मई। तो 22 मतलब एक महीना 8 दिन में परशुराम लोक का पूरा नक्शा बना के प्रसाद की स्वीकृति देके आज भूमि पूजन हो गया है। तमाम परशुराम का लोक बनेगा। अब कोई कहता होगा कि मुख्यमंत्री को क्या हो गया, भाजपा की सरकार लोक बना रही है? हां बनाएंगे। आप बताओ, हमारा देश संविधान से चलता है लेकिन धर्म हमारा आधार है। कौन करेगा ऐसे काम बताइए? क्या व्यक्तिगत रूप से जनता के लोग बड़े निर्माण के काम कर सकते हैं? प्राचीन काल में भी आप देखेंगे राजाओं ने महाराजाओं ने अलग अलग कई मंदिर बनाए, कई मठ बनाए, कई धर्मशालाएं बनाई। और इसलिए मैं कहता हूं हम जनता का कल्याण करेंगे। सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई का पानी, पीने का पानी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब बनाएंगे, लेकिन हम भगवान परशुराम का लोक भी बनाएंगे, हम राम रजा लोक भी बनाएंगे, हम सरकतपुर का देवी लोक भी बनाएंगे, हम हनुमान जी का लोक भी बनाएंगे। ये बनाना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। और इसलिए आज यहाँ भगवान परशुराम लोक का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। उषा दीदी हो, हमारे वरिष्ठ गण हो, अभी बीजी शर्मा जी भी कह रहे थे, बेटी कविता भी कह रही थी, जब प्रारंभ में इस पहाड़ी पे हम आते थे इतना पवित्र स्थल, लेकिन आने जाने के रास्ते हमारे पास नहीं थे। ये भगवान की कृपा है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिंड से खबर है जहां पर मंत्री की गाड़ी और ट्रैक्टर की भिड़ंत हुई है। राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया की गाड़ी हादसे का शिकार हुई और इस हादसे में मंत्री ओपीएस भदौरिया बाल बाल बचे हैं। मालनपुर फैक्ट्री के पास से हादसा हुआ। मंत्री ओपीएस भदौरिया ग्वालियर रेफर किए गए उपचार के लिए, इलाज के लिए ग्वालियर रेफर उनको किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो हादसे में ओपीएस भदौरिया घायल हो गए हैं, उपचार के लिए उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, ग्वालियर रेफर किया गया है। ये तस्वीरें मंत्री ओपीएस भदौरिया की गाड़ी के आगे का हिस्सा बुरी तरीके से डैमेज हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है। ये दूसरी तस्वीर हॉस्पिटल की है जब मंत्री को ग्वालियर रेफर किया गया, हॉस्पिटल में इलाज उनका वहाँ पर चल रहा है। ट्रैक्टर और मंत्री ओपीएस भदौरिया की गाड़ी में भिड़ंत हुई है, ज़बरदस्त टक्कर थी। गाड़ी के सामने का हिस्सा बुरी तरीके से डैमेज हुआ, मंत्री को भी चोटें आई हैं, मंत्री ओपीएस भदौरिया को चोटें आई हैं, उन्हें उपचार के लिए ग्वालियर रेफर किया गया जहां पर उनका उपचार चल रहा है और बाल बाल बचे हैं मंत्री ओपीएस भदौरिया। आमने सामने से टक्कर हो गई ट्रैक्टर और मंत्री जी की गाड़ी में, राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया की गाड़ी और ट्रैक्टर आपस में टकरा गए। दो तस्वीरें, एक तस्वीर है घटनास्थल की जिसमें आप देख सकते हैं कि मंत्री ओपीएस भदौरिया की गाड़ी सामने से डैमेज हुई है। दूसरी तस्वीर है ग्वालियर के हॉस्पिटल की जहां पर मंत्री का इलाज चल रहा है, उनको एडमिट किया गया है, ग्वालियर रेफर किया गया है उपचार के लिए, डॉक्टर्स की निगरानी में उनको रखा गया है, उनका इलाज वहां पर जारी है। कहना गलत नहीं होगा कि बाल बाल बचे हैं मंत्री ओपीएस भदौरिया।
तो मंत्री ओपीएस भदौरिया और ट्रैक्टर में जबरदस्त टक्कर होती है। मालनपुर फैक्ट्री के पास यह हादसा हुआ। उपचार के लिए मंत्री ओपीएस भदौरिया को ग्वालियर रेफर किया गया। तो मंत्री ओपीएस भदौरिया की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। ट्रैक्टर और गाड़ी में टक्कर हुई, भिड़ंत हुई। तस्वीरें देखकर हम समझ सकते हैं कि टक्कर जबरदस्त थी, क्योंकि मंत्री की गाड़ी की आगे का हिस्सा बुरी तरीके से डैमेज हुआ है। चोटें आई हैं मंत्री को, ओपीएस भदौरिया को, और हॉस्पिटल में एडमिट किए गए हैं, ग्वालियर रेफर किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन पर इंटेलिजेंस की नजर है। सिमी विचारधारा से जुड़े युवाओं को आईएसआईएस से जोड़ा जा रहा है, ऐसी खबरें हैं। युवाओं को भड़काकर चोरी छिपे ट्रेनिंग भी दी जा रही है सिमी की जमीन पर आईएसआईएस के साथ। जेएमबीएचयूटी तैयार कर रहा है अपना नेटवर्क। जबलपुर में आईएसआईएस नेटवर्क के खुलासे के बाद अलर्ट पर है एमपी पुलिस। आईएसआईएस इंडिया को साल 2050 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने का सपना देख रहा है। जबलपुर में आईएसआईएस नेटवर्क के खुलासे के बाद पुलिस अलर्ट है। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन पर इंटेलिजेंस की खास नजर। अब सिमी के गढ़ में आईएसआईएस सक्रिय है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता जितेंद्र, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से ऐसे हैं, कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर ये जो स्लीपर सेल है वो एक्टिव है, खासतौर से बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन पर इंटेलिजेंस की अब खास नजर। बिल्कुल, अगर बात करें तो आईएसआईएस का जो नेटवर्क है उसे तोड़ने के लिए जो है एनआईए पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है। और पहले भी खंडवा, बुरहानपुर और जो खरगोन, ये सेंसिटिव इलाके रहे हैं। यहाँ पर पहले पैमाने पर सिमी का नेटवर्क रहा और सिमी का ही नया रूप जो है आईएसआईएस के नाम से आया, फिर जो है पीएफआई के नाम से आया और अब एचयूटी के नाम से। तो ये लोग नाम बदल रहे हैं मगर काम इनका एक ही है, दहशत फैलाना। तो कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर एनआईए इसकी पूछताछ कर रही है और उनसे जुड़े जो युवा हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो भटक चुके हैं रास्ते से, और उनकी तलाश की जा रही है, जिसमें जेएमबी से जुड़े हुए, एचयूटी से जुड़ा हुआ जो नेटवर्क है उसकी कहीं ना कहीं पड़ताल की जा रही है। बड़े पैमाने पर पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। जितेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आइए अब बात करेंगे 23 की, महाभारत की। साल चुनावी है तो सियासत भी लाजमी है। हर नेता चाहता है उसके मतदाता उसके साथ रहें। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने ग्वालियर में इशारों में कई नेताओं पर निशाना साध दिया। कहा कि चुनाव में बहुत सारे विदेशी पंछी फड़फड़ाएंगे, लेकिन मुगालते में मत आना, गलतफहमी में मत आना। चुनाव का समय आ रहा है, बहुत सारे विदेशी पंछी यहां फड़फड़ाएंगे, पर मुगलते में मत आना, गलतफहमी में मत आना। मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीट जीतने के सीएम शिवराज के दावे पर कांग्रेस ने पलटवार किया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जेपी अग्रवाल ने इसे जुमला बताया है। अग्रवाल ने कहा है, हमारा आधार है तभी हम बोल रहे हैं। राहुल गांधी के दावे पर उन्होंने कहा है कि हमारा सर्वे है ये और सभी जगह होता है। मध्य प्रदेश में 100% कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जेपी अग्रवाल का कहना। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जेपी अग्रवाल मेरे साथ हैं। सर, कल राहुल के साथ तमाम बड़े नेताओं की बैठक हुई, फिर राहुल ने दावा किया कि हम 150 सीट कर्नाटक से ज्यादा थी। दिया बाबा, ख्याल अच्छा है, 200 पार भाजपा, मतलब कटाक्ष कर रहे हैं वो राहुल गांधी पर। बात ये है, ये वो जुमले हैं जो कई बार बीजेपी वाले बोलते हैं। अमित शाह जी भी बोले 200 पार, क्या कहा था बंगाल में उन्होंने, और भी कई चुनाव में 200 पार का नाल, तो वो बोल दिया। हालांकि भ्रष्टाचार से भरी हुई सरकार है ये, जिसके ऊपर रोज अखबारों में कितने आरोप लगते हैं। तो देखें, हम
कोई आधार है हमारा, जब भी हम बोलते हैं अगर पार्टी के इतने बड़े नेता ने कोई बात रखी है तो उनके पास उसका आंकड़ा होगा, आंकड़ा रखी है। जो पहले होता था अलग अलग राज्यों में, कर्नाटक में या दूसरे राज्यों में, तो क्या मध्य प्रदेश में भी इस तरह का कोई सर्वे कराया गया जिसमें ये स्थिति सामने आई है? हमेशा ये होता है, हर जगह होता है। कर्नाटक में भी आपने देखा कि किस तरह बीजेपी ने मार खाई, प्रधानमंत्री ने भी खूब दौरे करे, अमित शाह ने भी करे, नड्डा जी ने भी करे, पता नहीं कितने किस्म के वायदे उन्होंने करे, क्या हुआ, नतीजा निकला कि जो 40% कमीशन वाली सरकार थी उसको जाना पड़ा और कांग्रेस को बहुत अच्छी अक्सरियत हासिल हुई। वही बात मध्य प्रदेश की, तो जैसा कर्नाटक में हुआ मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी, कर्नाटक को रिपीट मध्य प्रदेश में करेंगे और उससे ज्यादा मजबूती के साथ, 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर अभी यहाँ पर जब ये मीटिंग हुई इससे पहले चल रहा था कि कांग्रेस में सब लोग खुश नहीं है, नाराज है, कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता, तो क्या इस तरह की भी बैठक में चर्चा हुई कि नाराजगी दूर हो, कि सबने अपनी बात रखी? देखिए जब हम बैठक में बैठते हैं तो इसलिए मान लो कोई मन बातचीत में फर्क है, कोई किसी की मांग है तो पूरी करें, उनको आपस में बैठाएं, समझौता कराएं। वहाँ कोई ऐसा विषय नहीं था जिसके ऊपर ये माना जाए कि आपस में कुछ तकरार है। सब ने कहा कि हम मिलकर काम करेंगे और सरकार बनाएंगे। तो जेपी अग्रवाल साहब, दावा राहुल गांधी ने बिल्कुल सही, तो सीटें जीत रहे हैं और भाजपा सिर्फ जुमलेबाजी करती है। कैमरामैन रविंद्र के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज 18। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर है कांग्रेस। सभी 230 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस सुंदरकांड कराएगी, सुंदरकांड का पाठ कराएगी, से कांग्रेस पाठ कर प्रकोष्ठ, हर विधानसभा सीट पर हनुमान चालीसा के साथ सुंदरकांड पाठ कराएंगे। मौजूदा विधायक, दावेदार और क्षेत्र के प्रभावशाली लोग कांग्रेस के सुंदरकांड में शामिल होंगे। कांग्रेस का दावा है कर्नाटक के बाद बजरंग बली जीत का आशीर्वाद मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को देंगे, ऐसा मानना है कांग्रेस का। हमने जिस दिन नारी सम्मान योजना की लॉन्चिंग की थी परासिया छिंदवाड़ा से माननीय कमलनाथ जी के सानिध्य में, तभी वहां पर सुंदरकांड पाठ का आरंभ हो गया था। छिंदवाड़ा में अभी चल रहा है और अब पूरे प्रदेश में जो भी 230 विधानसभाएं हैं, प्रति विधानसभा में 108 सुंदरकांड किए जाएंगे। प्रति जो भी वहां के सारे जिलाध्यक्ष भी तैयार हो चुके हैं, ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, तो वो सब इन सबको जन सामान्य के लिए लोक कल्याण के निमित्त से संचालित करेंगे। सुंदर कांड का पाठ करें अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, धार्मिक आयोजन है, पर बताएं सुंदर पाठ के को छेड़ने जाते हैं वो उससे सहमत है या असहमत है, उनको ये बताना चाहिए कि भगवा को आतंकवाद कहने वाले आप उस बयान से कांग्रेस के लोग सहमत हो कि नहीं सहमत हो, हिंदू और हिंदुत्व को अलग बताने वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के सहमत है कि नहीं, धार्मिक आयोग आपको ये धर्म याद आने लगता है, ये आपकी तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के बंधुओं, पूरा देश देख रहा है, अब मुगालता नहीं होने वाला, ये मध्य प्रदेश है। और आइए अब देखेंगे इलेक्शन टॉप 10। रायपुर में चार अधिकारियों ने शपथ, महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक का ऐलान, प्रदेश में आपकी सरकार बनी तो कांग्रेस सरकार से ज्यादा कीमत पर होगी धान की खरीदी। महाकालोक में सप्तऋषि की मूर्तियां टूटने पर कांग्रेस का निशाना, मूर्तियां कैसी थी? जेपी अग्रवाल के
महाकाल लोक मामले में सरकार नहीं कराएगी जांच, प्रशासन ने कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को वापस मूर्तियां लगाने के दिए निर्देश, कांग्रेस ने उठाए थे सवाल। महाकाल लोक पर कांग्रेस के सवाल पर एमपी के मंत्री केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का वीडियो वायरल, वीडियो में सिंधिया ने कहा चुनाव का समय है, बहुत से विदेशी पंछी फड़फड़ाएंगे, मुगालते और गलतफहमी में ना आना, ग्वालियर का शिवराज और मोदी सरकार ने किया है विकास। वीडियो हो रहा वायरल, गुड़ावत के भोलेनाथ मंदिर में पाप धर्म के दो खंभे मौजूद, खंभों के बीच से निकलने वाले को माना जाता है पुण्य आत्मा। मिशन बस्तर पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, आगामी चुनाव के जिलों जीत करेंगे दर्ज। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, राहुल गांधी की 150 सीट जीतने के दावे पर कसा तंज, एमपी में कांग्रेस को 50 सीट भी आ जाए तो ये बड़ी बात। चुनाव क्षेत्र में सुंदरकांड और रुद्राभिषेक कराएगी कांग्रेस, कर्नाटक में जीत के बाद एमपी में धार्मिक प्रयोग, कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन पर बोले सुशील आनंद शुक्ला, सभी संभाग में सम्मेलन करेगी कांग्रेस, सम्मेलन की बस्तर संभाग से इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।